गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट आपका लेट्स बूट कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हम आपका चैप्टर 3 रीड कर रहे थे। चैप्टर 3 था आपका स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये हमारा आपका यहाँ तक रीड हो गया था। कल हमने रीड किए थे सीपीयू के पार्ट्स। हमारा मॉनिटर तक रीड हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम माउस रीड करेंगे। टूडे डेट इज 17/7/2021। आज हम माउस के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय अ वायर और वीआ ब्लूटूथ। इट हेल्प अस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन द मॉनिटर। इट इज ऑल्सो यूज टू क्लिक एंड थिंग्स ऑन द मॉनिटर। इट हेल्प अस टू ड्रा पिक्चर्स टू। क्या कह रहा है माउस? क्या है माउस? हमारा माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय अ वायर और वी अ ब्लूटूथ। क्या ये सीपीयू से एक तार या ब्लूटूथ के माध्यम से क्या होता है? जुड़ा होता है। एक वायर, एक तार या ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ा होता है। इट हेल्प अस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन द मॉनिटर। यह मॉनिटर पर आइटम को क्या करता है? इंगित करने और चुनने में हमारी मदद करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू आइटम को क्या करता है? चुनने में हमारी मदद करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन द मॉनिटर। इसका उपयोग मॉनिटर पर चीजों को क्लिक और ड्रैग करने के लिए भी किया जाता है। इट हेल्प अस टू ड्रा पिक्चर्स टू। और इस पे हम क्या कर सकते हैं? यह हमें चित्र बनाने में भी मदद करता है। हम इस पे आप क्या कर सकते हैं? इस पे आपके जो चीजों को क्लिक करके ड्रैग भी करने में के लिए किया जाता है और हमें इसमें चित्र बनाने में भी मदद करता है। अ माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन अ माउस पैड। इट इज माउस पैड एज इट मेक द मूवमेंट ऑफ द माउस एच ईजर। तो क्या कह रहा है? अ माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन अ माउस पैड। कह रहे हैं कि माउस को हमेशा किस पे रखना चाहिए? माउस पैड पे रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ना, जब आप लैब पे जाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो माउस के नीचे क्या होता है? एक ये आपका पैड होता है, ये आपका एक होता है ना, उसके ऊपर हम माउस को रख करके खिसकाते हैं, चलाते हैं, उसी तरह। तो क्या होता है? माउस को हमेशा माउस पैड पर रखना चाहिए, क्योंकि इससे माउस की क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द माउस मस्ट ईजर। इससे माउस की गति आसान हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। इट हैज मैनी बटन सच आर कॉल्ड द कीज। दीज कीज आर यूज टू राइट नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स। अ कीबोर्ड इज यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर विच कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। अब हम जानेंगे, आपने ये कीबोर्ड देखा है ना स्टूडेंट्स, आप लोग जब लैब पे जाते हो तो आपके मॉनिटर के सामने ये एक कीबोर्ड रखा होता है। तो ये क्या है? कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण क्या हिस्सा है, बहुत ही पार्ट्स ऑफ। ये कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कैसा दिखता है? इट लुक लाइक अ टाइपराइटर। यह हमें टाइपराइटर की तरह दिखता है। इट हैज मैनी बटन्स। इसमें क्या होती हैं? कई बटन्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें कीज कहा जाता है। अब जिन्हें कीज कहा जाता है। दीज कीज आर यूज टू राइट नंबर्स, लेटर और सिंबल्स। इन कुंजियों का उपयोग संख्या, अक्षरों को लिखने के लिए किया जाता है। अब किसके? नंबर्स को और संख्याओं को लिखने के लिए इन कीज का यूज किया जाता है। अ कीबोर्ड इज यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है? इसका उपयोग कीबोर्ड के प्रतीकों का उपयोग कंप्यूटर को सूचना देने के लिए किया जाता है। इसके लिए सूचना देने के लिए, जिसे मॉनिटर पर लिखा ना, टू द मॉनिटर विच कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, जिसे मॉनिटर पर हम देख सकते हैं या मॉनिटर पर देखा जा सकता है। अदर देन, इसके बाद आपका कहा था अदर देन दीज फोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स। देयर आर सम
एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच कैन बी अटैच टू इट एंड पर यूजर्स नीड एंड चॉइस लेट्स लर्न अबाउट सम सच पार्ट्स। क्या कह रहे हैं कि इन चार महत्वपूर्ण भागों के अलावा भी क्या है कंप्यूटर, कुछ अतिरिक्त भाग भी होते हैं जो आपके ये फोर पार्ट्स आपने जाने, इसके अलावा भी कंप्यूटर के और भी अतिरिक्त भाग होते हैं जिन्हें क्या करते हैं, जिन्हें हम अपने उपयोग में लाते हैं जब हमें जरूरत होती है, तो क्या है उनका उपयोग, उनके उपयोग, उनको उपयोग में हम लाते हैं आवश्यकता के अनुसार। जब हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है तो हम इनका वायर अटैच करके अपने की सीपीयू पे इसका उपयोग करते हैं। लिखा है ना कि उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार इसे जोड़ा जा सकता है और चुन सकते हैं। आइए जाने कुछ ऐसे, जब हमें इसका वायर जोड़ जिस भी, जैसे हमें प्रिंटर का यूज है तो हम प्रिंटर का वायर सीपीयू पे जोड़ करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये कुछ हमारे अतिरिक्त भाग हैं, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको जोड़कर काम कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको हम नेक्स्ट डे रीड कराएंगे। थैंक यू।